हेलो बच्चों, वही देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ ब्लॉक्स मूव डाउन स्मूथली ऑन द इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। इट्स वेलोसिटी ऑन द रीचिंग ऑफ द बॉटम इज वी। इफ इट स्लाइड्स डाउन द रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ सम इंक्लिनेशन, इट्स वेलोसिटी ऑन द रीचिंग ऑफ द बॉटम इज वी बाय एन। वेर एन इज अ नंबर ग्रेटर देन जीरो, देन द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज गिवन बाय। फर्स्ट केस, व्हेन द सरफेस इज स्मूथ, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है एल, शुरू कहाँ से कर रहा है, जीरो से नीचे पहुँचते उसकी वेलोसिटी भी आ रही है। तो स्मूथ सरफेस पे जब वो एक्सेलरेट होता है वो जी साइन थीटा से एक्सेलरेट होता है। तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, सो दैट इज टू जी साइन ऑफ थीटा इंटू एल। तो वी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, टू जी साइन ऑफ थीटा एल, इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड केस देख लो, जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है राइट, और वो नीचे स्लाइड कर रहा है राइट, तब इधर की तरफ से एसेलरेशन जी साइन थीटा लगता है और इधर की तरफ से म्यू जी कॉस थीटा जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ये नॉर्मल ऊपर है और एम जी कॉस थीटा इधर है ना, तो यहाँ पे जब नीचे आएगा तब इसकी वेलोसिटी वी बाय एन है राइट। तो यहाँ पे जो नेट मतलब जो रिजल्टेंट प्रोवाइड होगा नेट एसेलरेशन, वो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होगा। तो वी बाई एन होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू जी राइट, दैट इज एल साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा। सो इट्स वी बाई वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर दैट इज टू जी एल साइन थीटा माइनस म्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा। इक्वेशन टू, टेकिंग रेशियो ऑफ 1/2 राइट, टेकिंग रेशियो ऑफ 1/2, सो दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, तो टू जी एल साइन ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टू जी एल साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा। टू जी एल गया राइट, तो एन स्क्वायर साइन थीटा ओके माइनस म्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्विवेलेंट टू साइन ऑफ थीटा। हमें म्यू की वैल्यू ढूंढनी है, एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू एन स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। यहाँ लेके आओ एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर माइनस वन साइन ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा बाई एन स्क्वायर। तो म्यू की वैल्यू एन स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर इंटू टेन ऑफ थीटा हो जाएगी। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी टेन ऑफ थीटा वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर राइट। सो दैट विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बच्चा जी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।